मैं हूं एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। अब समाचार अयोध्या से। रामनगरी में गुरु शिष्य की परंपरा हो रही है जीवंत। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं से पटी राम की नगरी। हर मठ मंदिर में हो रहा है गुरुओं का पूजन और अभिनंदन। आज पूरे दिन गुलजार रहेगी राम की नगरी। गुरु शिष्य परंपरा का रामनगरी में हो रहा है निर्वहन। दूर दराज से श्रद्धालु भी पहुँचे हैं राम की नगरी, गुरुओं के धाम, कर रहे हैं अपने गुरु की पूजा अर्चना। पेश है एक रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, सच 24 इंडिया की टीम इस समय उत्तर प्रदेश के भरतपुर अयोध्या पहुँच चुकी है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, जिससे लोग आज विभिन्न मंदिरों पर अपने गुरु जी का दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं तथा उन्हें गुरु दक्षिणा भी दे रहे हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं। हम इस समय पहुंच चुके हैं श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर नंदीग्राम भरतकुंड। देखिए ये काफ़ी दूर दूर के श्रद्धालु आए हुए हैं, जो कि गाड़ियों से यहाँ पर आने का सिलसिला भी जारी है। और आगे देखिए योगी राज श्री भरत के प्राचीन मंदिर नंदीगांव भरतकुंड पर भी बाहरी लोगों की भीड़ जमा हो रही है। श्रद्धालु धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं तथा अपने गुरु का पूजन अर्चन व चरण वंदन करने के लिए उतावले हैं। अब आपको हम ले चलते हैं श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर नंदीग्राम भरतकुंड अयोध्या की तरफ। चलिए हम धीरे धीरे आपको मंदिर तक ले चल रहे हैं। जहाँ पर लोग आज गुरु पूर्णिमा पर देखिए ये लोग जो है अपने गुरु की चरण वंदना करके बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे हम मंदिर प्रांगण की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए अभी हम आपको दर्शन कराते हैं। देखिए धीरे धीरे मंदिर पर भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ दर्शन पूजन अर्चन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब लोग गुफा की तरफ अग्रसर हैं। देखिए धीरे धीरे लोग मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रही है। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर सच 24 इंडिया की टीम इस समय उत्तर प्रदेश के भरतकुंड अयोध्या पहुंच चुकी है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। आइए हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? अमृतेश राव। कहाँ के रहने वाले हैं? कुशीनगर के रहने वाले हैं। तो अयोध्या भी आप गए थे? जी अयोध्या भी हम गए थे। तो गुरु पूर्णिमा पर आने का मतलब कि आपने गुरु जी का भी दर्शन किया होगा? जी गुरु जी का भी दर्शन किया हमने। कहाँ, किस मंदिर के गुरु जी हैं? हनुमानगढ़ी के राजूदास जी महाराज के दर्शन किए हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? पवन राव, कुशीनगर से। तो अयोध्या भी गए थे आप? जी, प्रभु राम की नगरी अयोध्या में हम लोग कल ही से हैं। 3 दिनों के लिए अयोध्या में हम लोग हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के आदर्शों का कुछ उनके पश्चिन्हों को जो छोड़े गए भरत कुंड में आज हम लोग दर्शन करने आए हैं। हनुमान जी और भरत जी का जो यहाँ मिलन हुआ था राम जी के वनवास आने के पूर्व, हनुमान जी ने आके भरत जी को शुभ संदेश जब सुनाया तो भरत जी बहुत भाव विभोर और आत्मपूर्ण से विभोर हो गए। इस सभी चीज़ों को सभी युवाओं को देखना चाहिए, सभी को जुड़ के इस आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, संयोजना चाहिए और राम की जो चरित्र है उसके बारे में अनुसरण करना चाहिए। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? आलोक सिंह।
कहाँ से आए हैं? कुशीनगर के रहने वाले, लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में आपको कोई फर्क महसूस हो रहा है? आपको बता दूं कि पहले भी हम लोग अयोध्या जी जाते थे, जितनी खुशी अब मिलती है, पहले भी जाते थे लोग तो रामलला जी छप्पर में मिलते थे, अब इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है उनको देख के, और जोरों शोरों पे जो काम चल रहा है मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। आज अभी आप चले जाइए, कम से कम लाखों करोड़ों के मतलब भीड़ वहाँ इकट्ठा है, लाइन लगी है रामलला के दर्शन करने के लिए, विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो बहुत अंतर हुआ है पहले में और आज में। हाँ भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम अमरनाथ द्विवेदी है, वैसे तो हम मुंबई से हैं लेकिन कुशीनगर में मेरा पैतृक स्थान है और मैं अभी कुशीनगर में हूँ, तो कुशीनगर से आया हूँ अयोध्या दर्शन करने के लिए। और अयोध्या में पहले की अपेक्षा आज के तरीके में अंतर इतना बड़ा है कि पहले जैसे रोड नहीं थे, आने जाने की गलियों में पानी फैला रहता था, और आज जो है ना साफ़ सुथरा गलियां हैं, साफ़ सुथरा रोड है, पानी का निकास का व्यवस्था अच्छा है, और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ भी भगवान भरत और हनुमान जी का मिलन में बहुत अच्छा लगा, पहले की अपेक्षा और बहुत अच्छी। अच्छा, इसके पहले आप कब अयोध्या आए थे? अब पिछले साल अयोध्या आए थे हम, हाँ इसके पहले आए थे हम 2014 में, तो 2014 में बड़ी बुरी स्थिति थी, परिस्थिति यहाँ की बहुत अच्छी नहीं थी, भगवान तो छप्पर में थे वो अलग बात है, लेकिन जो अयोध्या की व्यवस्था जो थी बहुत दयनीय थी। लेकिन आज जो पिछले साल हम आए तो पिछले साल मुझे बहुत अच्छा लगा और इस साल तो और भी अच्छा लगा। पूर्णिमा के महत्वपूर्ण त्यौहार के अवसर पर जैसा कि आप देख भी रहे हैं, स्नान घाट पे सबसे पहले लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पे जल पुलिस की व्यवस्था की गई है, पिकेट लगाई गई है, विभिन्न सिपाहियों को जगह जगह पे खड़ा किया गया, लोग सिटी बजा के लोगों को अलार्म दे रहे हैं कि आप गहरे पानी में ना जाएं, किनारे स्नान करें। साथ ही साथ भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन भी किया गया है, शहर के अंदर विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं जिससे कि लोगों को अपनी गाड़ियों को सही जगह पर पार्क कर सकें और उनको किसी प्रकार की सुविधा ना होने पाए। साथ ही साथ यहाँ से स्नान करने के बाद लोग नागेश्वरनाथ जल चढ़ा रहे हैं, जिसके बाद विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, तो इन मंदिरों में भी शिफ्ट वार ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और लगातार जब से मंदिर खुला हुआ है सुबह तब से लगातार ड्यूटियाँ चल रही हैं, लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए अयोध्या पुलिस सतत प्रयत्नशील है।